नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि यादव, आईएएस ऑफिसर इन मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज यूपीएससी 2021 बैच। हार्टियस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल हु हैव क्वालिफाइड फॉर द ईएससी 2023 इंटरव्यू। यू हैव योर डेफ लास्ट डेट ऑन 19 अगस्त। आज मैं आपको मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा दैट विल बी यूजफुल फॉर यू व्हाइल फिलिंग योर डेफ चॉइस। मिलिट्री सर्विसेज में सबसे पहले मैं बात करूंगा कि काम वर्क कैसा होता है, वर्क लाइफ कैसी होती है। तो सबसे फर्स्ट स्टेजेस में तुम्हें इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए काम इक्वल होता है। जब तुम एज ए असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पोस्टेड होते हो, वहाँ पे असिस्टेंट गैरिसन इंजीनियर बोला जाता है। तो शुरू के 5 साल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल को अलग काम दिया जाता है एंड सिविल को अलग रखा जाता है। और तुम्हें जहाँ भी तुम्हारी पोस्टिंग होगी वहाँ पे तुम्हें वाटर सप्लाई देखना है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई देखना है, एनी कंस्ट्रक्शन वर्क लाइक बिल्डिंग हो गया और हॉस्पिटल्स वगैरह हो गए, कोई अकोमोडेशन प्रोवाइड कराना तो वो हो गया, वो सब तुम्हें प्रोडक्ट, मतलब कोई भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई भी काम होगा मिलिट्री में या डिफेंस में, सारा तुम्हें ही करना है। आफ्टर 5 ईयर्स यू विल पोस्टेड एज गैरिसन इंजीनियर और वहाँ तुम्हें बड़ी अथॉरिटी दी जाएगी। वहाँ पे तुम्हारे पास बहुत बहुत लोग तुम्हारे अंडर काम कर रहे होंगे, तो तुम्हारे पास अच्छी अथॉरिटी होगी, मतलब तुम्हें अच्छी फाइनेंशियल पावर दी जाएगी। सेकेंड होता है कि तुम्हारा पोस्टिंग कहाँ होता है। तुम्हारा हमेशा पोस्टिंग होगा कैंट एरिया में। अब वो रिमोट लोकेशन भी हो सकता है और सिटीज़ में भी हो सकता है, लाइक जयपुर हो सकता है, बॉम्बे में हो सकता है, दिल्ली में हो सकता है, बट रिमोट भी हो सकता है, जैसे लद्दाख हो गया, जैसलमेर हो गया, नॉर्थ ईस्ट में हो गया। बट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे 3 साल में ट्रांसफर हो जाता है। मैक्सिमम एक बंदा एक जगह पे 3 साल ही रहता है। तो अगर तुम्हें खराब लोकेशन मिल जाती है, सही लोकेशन मिल जाती है, तो तुम्हें खुश नहीं होना, तुम 3 साल के बाद यू बी पोस्टेड आउट। और थोड़े एक प्रमोशन के बाद तुम्हें 2 साल, अगर तुम्हारी रिमोट लोकेशन है जैसे लद्दाख के नॉर्थ ईस्ट में, तो वहाँ पे तुम्हें 2 साल ही 2 साल के बाद ट्रांसफर कर दिया जाएगा। प्रमोशन यहाँ पे फर्स्ट प्रमोशन 5 साल पे होगा, तुम्हें गैरिसन इंजीनियर बना जाएगा। उसके बाद तुम 9 साल के बाद तीसरा प्रमोशन होता है जो कि सुपरिटेंडिंग इंजीनियर होता है, और उसके 4-5 साल के बाद तुम्हें चीफ इंजीनियर बना दिया जाता है। तो प्रमोशन यहाँ पे ठीक ठाक होता है, बट अथॉरिटी तुम्हारे पास अच्छी खासी होती है, तो तुम्हें इतना नहीं सोचना पड़ता कि तुम्हें हायर पोस्ट के लिए जाना है। तुम गैरिसन इंजीनियर का टेन्योर करके भी तुम खुश रहते हो, और तुम आईएएस ऑफिसर बन जाते हो तो तुम्हारे लिए सोशल एस्पेक्ट वैसे भी हाई है, और फिर तुम मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज के साथ तुम ऐड हो जाते हो ना, तो फिर सोशल एस्पेक्ट तुम्हारी बहुत ही ऊपर हो जाती है। तो ये कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स है। और अगर मान लो कि स्टेट कोई भी जैसे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, वाटर बोर्ड, तुम्हारा अगर फेल हो जाता है, तो फिर मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा सकती है कि तुम स्टेट को भी, स्टेट का भी तुम ये चीज़ें संभाल सकते हो। तो वो भी होता है, तुम्हारा वो भी एक बेनिफिट पॉइंट होता है। तुम्हें रहने के लिए अच्छी खासी सुविधा दी जाती है, सेमी फर्निश्ड 2 BHK फ्लैट दिया जाता है तुम्हें शुरू में और बाद में, और कहीं पे अगर बंगलो अवेलेबल है तो बंगलो भी दे दिया जाता है। तुम्हें एक गाड़ी दी जाती है जो कि तुम ऑफिस कम्यूट में यूज कर सकते हो। और तो यार सारी चीज़ें मैंने कंफर्म कर दी, तुम्हारे मिनिस्टर में अच्छे खासे कॉन्टैक्ट हो जाते हैं। और हाँ, तुम्हें अच्छी खासी स्पोर्ट्स फैसिलिटी मिलती है। तुम्हें जो रहने की जो एनवायरनमेंट दिया जाएगा ना, वो IES की किसी भी डिपार्टमेंट में ऐसी ही रहने की सुविधा नहीं दी जाएगी जहाँ पे इतना अच्छा कैंटेरिया और इतनी अच्छी स्पोर्ट्स फैसिलिटी हो। वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स फैसिलिटी तुम्हें प्रोवाइड की जा चाहिए। तो तुम स्पोर्ट्स एंथुजियास्ट हो, तुम फिजिकल फिटनेस फ्रीक हो, तो तुम्हारे लिए मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज बेस्ट है। कुछ चीज़ें नेगेटिव होती है, जैसे कि तुम IAS ऑफिसर होते हो बट मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में एज ए सिविलियन पोस्टेड होते हो, तो सिविलियन और जो आर्म्ड फोर्सेस होती है, जो यूनिफॉर्म फोर्सेस होती है, तो उनके बीच में थोड़ा बहुत क्लैश चलता रहता है, बट इट्स मैनेजेबल, इट्स नॉट ए बिग थिंग। एक 3 ईयर्स का ट्रांसफर होता है, तो ये एक नेगेटिव चीज़ भी हो सकती है, पॉजिटिव चीज़ भी हो सकती है। और ये थोड़ा क्या है, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज टेक्नोलॉजी से अपडेटेड नहीं है, तो थोड़ा सा ये टेक्नोलॉजी में पीछे रहता है। तो तुम्हें अभी भी फाइलें चलती रहती है, लेटर चलते रहते हैं, तो तुम्हारा लेटेस्ट अपडेट नहीं हुआ है, तो MES का लेटेस्ट अपडेट नहीं हुआ, बट जल्दी ये धीरे धीरे बदल रहा है, धीरे धीरे अपडेट हो रहे हैं। बाकी ये सिंपल एंड स्वीट इन्फॉर्मेशन थी मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज के बारे में। और तुम्हें अगर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन चाहिए तो तुम कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, और अगर कोई भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो तुम कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। बाय दोस्तों, जय हिंद।